दोस्तों वीडियो पसंद आने पे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और आप देख रहे हैं अतुल टेक बाजार। दोस्तों इस टाइप के मैसेज जनरली आपको व्हाट्सएप में देखने को मिलते होंगे कि दिस मैसेज वॉज डिलीटेड। अगर मैं ये बोलूँ कि आप ये डिलीटेड मैसेज पढ़ सकते हैं, किसी ने आपको ये डिलीटेड मैसेज भेजा है, मैसेज भेजने से पहले ही अगर वो डिलीट कर देता है तो आपको इस टाइप का मैसेज रिसीव होता है। अगर एक सॉफ्टवेयर के थ्रू आप इस मैसेज को पढ़ सकते हैं तो कितनी अच्छी बात होगी। आप जान जाएंगे कि वो पर्सन आपके बारे में क्या लिखना चाहता था एक्चुअल में और क्या पहुंच गया। ठीक है दोस्तों, इस ऐप्स का नाम है नोटिस ऐप। चलिए इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेते हैं। ये जो बेल आइकॉन वाला जो आइकॉन दिख रहा है ना, ये नोटिस ऐप देख सकते हैं आप। सिर्फ 4 MB का सॉफ्टवेयर है और अब तक 1 मिलियन लोगों ने इसे इंस्टॉल कर चुके हैं। तो आप सोच सकते हैं कि व्हाट्सएप के डिलीटेड मैसेज देखने के लिए कितने लोग एकदम बोल सकते हैं आप कि एकदम उनको लगता होगा कि यार भेजा क्या है, आखिर किसी पर्सन ने भेजा क्या है। तो दोस्तों इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप इजीली देख सकते हैं। चलिए अब इंस्टॉलिंग हो रही है और ऐप इंस्टॉल हो गई। चलिए इसे ओपन करते हैं। दोस्तों इस टाइप का यूज़र इंटरफेस आपको दिखेगा, आप इसको नेक्स्ट करते जाइए, अलाउ कर दीजिए। अब ये नोटिस ऐप का जो आइकॉन है इसके सामने का जो मेनू है उसे हमें ऑन करना है, वो ऑफ है उसे अलाउ कर देना है। ठीक है, अब बैक लेना है और जो भी आएगा स्टेप उसको अलाउ कर देगी, क्योंकि ये जो ऐप्स के नोटिफिकेशन है उसके लिए एक्सेस लेता है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट कर दीजिए। आप देख सकते हैं कि इसने इतने सॉफ्टवेयर जीमेल मैसेंजर वगैरह के नोटिफिकेशन को ऑन करके रखा है। हमें केवल व्हाट्सएप से काम है इसलिए हम व्हाट्सएप को ही ऑन रखेंगे, बाकी सबको ऑफ कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट कर देते हैं। और ये जो दो ऑप्शन है ऊपर के, इनको हम ऑफ कर देंगे। ठीक है, अब ये जो व्हाट्सएप का जो आइकॉन दिख रहा है वहाँ पे क्लिक कर देंगे वहीं। चलिए दोस्तों अभी सॉफ्टवेयर की लाइव टेस्टिंग कर लेते हैं। सपोज़ मैंने लिखा हाय तो मेरे राइट साइड वाले जो मोबाइल है उसमें मुझे रिसीव हो जाएगा हाय। अब मैं यहाँ से सेंड करता हूँ कैसे हो, तो देखिए राइट साइड वाले मोबाइल में रिसीव हो जाएगा कैसे हो, जनरली जो होता है। अब तीसरे बार हम देखते हैं, मैं लिखता हूँ अतुल क्या है। सपोज़ ये धोखे से चले गया मुझसे मैसेज, अब मुझे इसे डिलीट करना है तो मैं यहाँ पे इसे प्रेस करके डिलीट कर देता हूँ लेफ्ट साइड वाले मोबाइल से। ठीक है, यहाँ लिख गया यू डिलीटेड दिस मैसेज और दिस इस साइड में आ गया दिस मैसेज वॉज डिलीटेड। यही मैसेज हमें जनरली रिसीव होता है, बट आप देख रहे होंगे कि जो मैंने डिलीट किया था वो पहले ही दिख रहा है अतुल क्या है। अब मैंने लिखा अतुल टेक तो नॉर्मली रिसीव हो गया अतुल टेक। अब मैं यहाँ पे कुछ और लिखता हूँ अतुल, कुछ गलत लिखता हूँ, अतुल तू बकवास है। सपोज़ मेरे किसी फ्रेंड ने धोखे से भेज दिया ये जो उसे नहीं भेजना था, अब ये वो डिलीट कर रहा है सपोज़, तो डिलीट हो गया मैसेज। उसने तो डिलीट कर दिया, उसके मोबाइल में भी दिख गया, मेरे मोबाइल में डिलीट नहीं हुआ है, दिस मैसेज वो डिलीटेड लिख के आ रहा है लेकिन मुझे वहाँ दिख रहा है साफ साफ अतुल तू बकवास है जो उसने डिलीट किया है। अब एक और लिखता हूँ मैं अतुल तू नाइस है जो कि उसे भेजना था, अब यहाँ पे दिख रहा है अतुल तू नाइस है। ठीक है, जो भी मैसेज हम डिलीट करेंगे वो उससे पहले डिलीट होके दिखा देगा, अपीयर हो जाएगा वो। अब जैसे मैंने लिखा गुड, गुड नहीं भेजना था मुझे, मैंने डिलीट कर दिया यहाँ से। ठीक है, अब आप देखेंगे कि गुड मुझे दिखा रहा है और लिख रहा है दिस मैसेज वॉज डिलीटेड। तो दोस्तों इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप किसी भी पर्सन का डिलीट किया हुआ मैसेज पढ़ सकते हैं जबकि उसको पता भी नहीं चलेगा कि आपने उसका मैसेज पढ़ लिया है। चलिए एक और एग्जाम्पल। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और हाँ बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद, बोलते रहिए वंदे मातरम।